सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं हूं सर, आप देख रहे हो विथ एक्स्ट्रा यूट्यूब चैनल। तो सर का टॉपिक है हाउ टू वीवो U10 कॉन्टैक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी दोस्तों वीवो U10 में कॉन्टैक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करें। तो सर इस वीडियो में आप इंटरेस्ट हो तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, और चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए देखिए दोस्तों, वीवो U10 मेरे पास इलेक्ट्रिक ब्लू कलर में 3GB 32GB वाला वेरियंट अवेलेबल है। दोस्तों चलिए इस फोन का आपको मॉडल नंबर दिखाने की कोशिश करते हो। चलिए सेटिंग पर चलते हैं। दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे स्लाइड करते हैं, नीचे आइए और थोड़ा सा नीचे आइए। दोस्तों यहाँ पर फोन मिल जाएगा मोर सेटिंग, उस पर क्लिक कीजिए। अब दोस्तों अबाउट फोन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपका सारे फोन का डिटेल्स मिल जाएगा। मॉडल नंबर आपको देखने को मिला है वीवो 1916। यहाँ पर नीचे देखिए 3GB का रैम और 32GB का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो सब चलते हैं, बैक करते हैं, अब मेन टॉपिक का बात करते हैं। दोस्तों कॉन्टैक्ट कॉपी और कॉन्टैक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग पर। उसके बाद आप नीचे स्लाइड करते हैं, नीचे आइए और थोड़ा सा नीचे आइए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिस्टम ऐप सेटिंग, उस पर क्लिक कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर लिखा है इंपोर्ट फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस और नीचे लिखा है एक्सपोर्ट टू स्टोरेज डिवाइस, यानी दोस्तों यहाँ से कॉन्टैक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों चलिए बैक करते हैं। अब दोस्तों कॉपी कॉन्टैक्ट पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऊपर है कॉपी फ्रॉम फोन, यानी दोस्तों फोन का कॉन्टैक्ट आप कॉपी कर सकते हो। चलिए इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों ऊपर नीचे लिखा रहा है फोन हैज़ नो कॉन्टैक्ट, यानी दोस्तों फोन में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी फ्रॉम सिम कार्ड, यानी दोस्तों फोन का कॉन्टैक्ट आप सिम में कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों कॉपी फ्रॉम जीमेल ID, यानी दोस्तों सिम का कॉन्टैक्ट या फोन का कॉन्टैक्ट आप जीमेल में कॉपी कर सकते हो। और दोस्तों नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट दी कॉन्टैक्ट टू डिस्प्ले, यानी दोस्तों राइट साइड में देखिए दोस्तों ब्लू सिलेक्ट करके रखा है। आप इस तरह रखोगे तो आपका ऑल कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट में शो होने लगेगा। दोस्तों अभी फोन में है 0 कॉन्टैक्ट और सिम कार्ड में 61 कॉन्टैक्ट और जीमेल में 0 कॉन्टैक्ट। इस तरह आप सिलेक्ट करके रखिए, आपका सारा कॉन्टैक्ट शो होने लगेगा कॉन्टैक्ट लिस्ट पर। और दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।